brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा आया मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा आया योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी, जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। आ रहे हैं और ये यहीं पर मैं देख दिख रहा हूँ ना ये लेकर, और यहीं से सवाल होता है, जबकि जब ऐसे ही कैमरा पकड़ के वो सवाल किया गया है और यही शर्ट में पहना हूँ, ये लाल शर्ट आपको दिख रहा है और वो शर्ट में पहना भी हूँ, और ठीक इसी में वो सवालात हो रहे हैं, बात हो रही है, और ये 11 मिनट का वीडियो है जी। ये लास्ट में उन्होंने वो बोला है जो माननीय योगी जी और मोदी जी के। आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद और लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चा पैदा ना करते हुए देश में बेरोजगारी को रोक दिया। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी जी योगी जी ने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया ताकि देश में बेरोजगारी ना बढ़े। बीजेपी सांसद निरहुआ। कांग्रेस नेता के इस वीडियो पर बीजेपी के आईटी के इंचार्ज अमित मालविया ने सीधे दावा किया कि ये वीडियो फेक है, वीडियो में डीफेक का इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए कार्रवाई करने की बात कह दी। न सिर्फ अमित मालवीय बल्कि खुद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी एक्स पर इसे डीफेक बताया। उन्होंने लिखा, फेक वीडियो प्रमोट करने का ट्रेंड हो गया है कांग्रेस वालों का, कोई भी देख कर समझ जाएगा होठ कुछ और बोल रहे हैं। एआई से साउंड क्लोन करके क्या साबित करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। इसके बाद कांग्रेस पर डीफेक वीडियो फैलाने का आरोप लगने लगा। फिर एक ओरिजिनल वीडियो का भी दावा सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो सोल यूपी हिंदी का वीडियो है। हमने सोल यूपी हिंदी के बारे में पता किया तो पता चला कि चैनल के संतोष कुशवाहा और सत्यानंद स्वामी गाजीपुर के हैं। जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने दावा किया कि ये वीडियो सही है और अपने मोबाइल में ओरिजिनल वीडियो दिखाने का भी दावा किया। सठियाओं में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का चौहान एक बस्ती है वहीं सठियाओं में, तो वहीं पर उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। आपके साथ और कौन था? जी हमारे साथ ये हमारे सहयोगी हैं। अच्छा, आप ये सहयोगी आपके हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सत्यानंद स्वामी है। अच्छा, आप कैमरा आप चला रहे थे? नहीं, कैमरा ये चला, ये जो एंकर चला रहे थे। और आप? जी मैं सवाल कर रहा था तो कैमरा के पीछे से ये भी कुछ सवाल कर रहे थे और हम भी कर रहे थे। आप देखेंगे तो ये वीडियो देखिए, ये आप देख सकते हैं जो ये वीडियो है अभी ये आ रहे हैं। देखिए दिनेश लाल यादव जी आ रहे हैं और ये यहीं पर मैं देख दिख रहा हूँ ना ये लेकर, और यहीं से सवाल होता है, जबकि जब ऐसे ही कैमरा पकड़ के वो सवाल किया गया है और यही शर्ट में पहना हूँ, ये लाल शर्ट आपको दिख रहा है और वो शर्ट में पहना भी हूँ, और ठीक इसी में वो सवालात हो रहे हैं, बात हो रही है, और ये 11 मिनट का वीडियो है जी। ये लास्ट में उन्होंने वो बोला है जो माननीय योगी जी और मोदी जी के एक क्या बोला उन्होंने, क्या सवाल था? ये बेरोजगारी पर सवाल था। सवाल यही था सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। सवाल हमने सारी सवाल पूछने के बाद मैंने कई सवाल पूछा था कि नेताजी आप सांसद भी हैं, आपसे अक्सर जो है कि बताते भी हैं, कहते रहते हैं कि योगी जी संपर्क में रहते हैं, मोदी जी संपर्क में रहते हैं, तो एक सवाल यही है कि जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जो रोजगार की व्यवस्था क्या कर रहे हैं आप लोग, खास करके जो है कि सरकारी नौकरी को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी आप हमको बताइए कि सरकारी नौकरी कितना है पूरा। तो हमने कहा नेताजी आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, हम तो जानते ही हैं लेकिन अगर आप बताएंगे तो और बेटर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि बस इतना ही, आप लोग झुंझुना लेकर चले जाते हैं। खैर वो तो बातें रही दूसरी बातें, लेकिन जो बताया जा रहा था, उन्होंने कहा कि 80 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, और 80 लाख नौकरियों को लोग दे दिया जाता है और भी लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इसके बाद और बातें करते करते उन्होंने कहा कि सभी लोग जो है कि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, एक बच्चा पैदा करना चाहिए, वहाँ पर 8-8 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से रोज़गार मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने एक बात वही कह डाली कि मोदी जी योगी जी के क्या बच्चे हैं,
मोदी जी ने तो बेरोजगारी ख़त्म कर दिया बच्चा ना पैदा करके। और इस चीज़ को हमने जब देखा कि AI बता रहे हैं कि निरहुआ जी इसको जो है कि बता रहे हैं कि AI से बनाया गया है, तो खास करके हमने यही सवाल जो दागा था उसका जवाब उनके पास आया था पूरा, और उनके पास वीडियो प्रॉपर के बता दिखा दीजिए। ये मतलब ये जो सवाल आपने किया था ये निरहुआ जी ने खुद कहा था जी जी कहा था उन्होंने, पूरा वीडियो जो है कोई फेक नहीं है, इसमें 1% भी फेक नहीं है, पूरा ओरिजिनल वीडियो है, 11 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, और वहाँ पर शाम को करीब 3:00 पे वो वीडियो शूट है। एक और संतोष कुशवाहा और सत्यानंद स्वामी ने ये दावा किया कि वीडियो सही है, वहीं दूसरी ओर दिनेश लाल यादव ने अपना पहला पोस्ट डिलीट करते हुए एक नया वीडियो जारी किया जिसमें लिखा गया कि पूरा वीडियो कुछ और है, वीडियो को अपने हिसाब से कट करना और एडिट करना ठगबंधन की तुष्टिकरण की राजनीति और बौखलाहट को दर्शाता है। फिलहाल निरहुआ का अपना खुद का दावा है और वहीं वीडियो बनाने वालों का भी कुछ अलग दावा है। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।